Hi guys, welcome back to my channel. I'm suffering from cold, so please don't mind my voice. So it's been 2 months कि मैंने कुछ भी post नहीं करा है मेरे channel पर. It's because मैं थोड़ा shift हो गई हूँ बाहर. As you all know, I'm from Udaipur, but अभी college के लिए मैं बाहर shift हो गई हूँ. बाहर in the sense मैंने admission लिया है OP Jindal Global University में, जो कि सोनीपत हरियाणा side पड़ती है, दिल्ली NCR से लगी हुई है, मतलब थोड़ा पास में ही है. तो यहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया है एंड मैं कॉलेज आ गई थी 25 और 26 जुलाई को एंड हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त से. तो उससे पहले भी थोड़ा पैकिंग वगैरह का सीन चल रहा था, तो मैं उसमें बिजी चल रही थी ना, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी. एंड कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी मेरे को थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं किया मैंने इतने टाइम में. बट आज संडे था, मैं थोड़ा सा मैंने रूम वगैरह भी क्लीन किया है, मैं थोड़ा फ्री थी, तो मुझे लगा ठीक है आज शूट कर ही लिया जाए. आगे आपके लिए मैं बहुत सारी और वीडियोस लाने वाली हूँ आउटफिट की, लाइक अलग अलग हॉल एंड कॉलेज आउटफिट, ऐसे बहुत सारे मैं लाने वाली हूँ. बट फिलहाल के लिए आज मैंने सोचा कि जिस कॉलेज में आए हैं, मतलब कॉलेज में मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मैंने सोचा कि हॉस्टल में मेरे को जो रूम अलॉट हुआ है, मेरे को जो रूम मिला है, उसी का रूम टूर दिया जाए. कॉलेज का टूर मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी कि कॉलेज में क्या है, कैसा है, सब बताऊंगी. बट अभी फिलहाल के लिए मैंने सोचा कि रूम का ही टूर दिया जाए, तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. हमारा एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पर क्लासेस लगती है, कॉलेज है जो, एंड ये बाकी के हमारे स्टूडेंट हाउसिंग पीछे और भी है. बट अभी यहाँ से ये स्टूडेंट हाउसिंग दिख रही है, ये मेरा वाला है एंड ये मेरा फ्लोर जो पूरा कॉरिडोर है इसका. This is our room. अंदर एंटर होते ही ये पूरा रूम है हमारा. यहाँ पे कबर्ड्स है हमारी ट्रिपल शेयरिंग के, उसके हिसाब से ये 3 कबर्ड्स है. यहाँ लेफ्ट में वॉशरूम है हमारा. आगे एंटर होते ही ये मिरर है और सबको ये मिरर दे रखा है, हर रूम में ये मिरर दे रखा है, जिसमें आराम से सब तैयार व्यार हो सके अच्छे से. तो ये रूम में एंटर होते ही वॉशरूम के जस्ट पास में ये मिरर है. ट्रिपल शेयरिंग के हिसाब से हमारे ये 3 बेड्स हैं, ए बेड, बी बेड और सी बेड. मेरा ये ए वाला बेड है पूरा. चीज़ 3 दे रखी है, बेड, टेबल एंड स्टडी टेबल, कबर्ड, सब कुछ तीनों की इक्वल है ये कबर्ड्स हमारी. एंड ये मेरी रूममेट है जिसका सी साइड वाला बेड है, जो पढ़ रही है. एंड जो बी वाली है वो अभी बाहर गई हुई है, तो वो कल आएगी. दिस इज़ माई साइड ऑफ द रूम. मैंने यहाँ पर सबसे पहले छोटे से गणपति जी बिठा रखे हैं और मैंने ये एड ऑन में ये फ्रेम वगैरह लगा रखी है. और भी मुझे यहाँ पर डेकोरेट करना है, बट फिलहाल के लिए मैंने यही कर रखा है. जो मेरा बेड है ना, ये इस साइड था और ये जो टेबल है वो उस साइड थी, बट हमने थोड़ा खुद ने शिफ्टिंग और ये सब करके हमने इसको यहाँ कॉर्नर पे शिफ्ट कर दिया है. बस सामने मेरी स्टडी टेबल और ऊपर कबर्ड, नीचे चेयर, ड्रॉर, ये सब दे रखे हैं और काफ़ी स्पेशियस है, मतलब आराम से अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं. ऊपर बुक्स और ये सब रख रखा है, ये भी सेम, इसमें भी इतनी ही स्पेस है. तो ये ड्रॉर है, इसमें भी काफ़ी कुछ सारा सामान आ सकता है और नीचे इसमें भी काफ़ी कुछ आ सकता है. स्टडी के लिए अगर रात में जैसे पूरी लाइट नहीं जलानी हो, तो नॉर्मल लाइट आप यहाँ से भी जला सकते हो. तो इन्होंने ये भी इसमें दे रखा है. मेरा ए नंबर का है और वैसे इन लोगों का बी और सी है, तो वैसे ही मेरी ए नंबर की कबर्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए. कबर्ड भी काफ़ी स्पेशियस है, जैसे मेरा थोड़ा सामान मैसी हो रहा है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना. तो ये पूरा एरिया रहता है पूरा सामान रखने के लिए, हैंगर्स खुद लाने पड़ता है सामान रखने के लिए. प्लस यहाँ पर लॉकर भी देते हैं ये लोग, कि कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर आपको रखना हो तो इस लॉकर में रख सकते हो. प्लस ऊपर भी इन्होंने स्पेस दे रखी है जिसमें कुछ भी रख सकते हो, प्लस नीचे भी स्पेस है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्पेशियस बना रखा है. और अगर फुटवेयर रखना हो तो उसके लिए अलग से इन्होंने नीचे ड्रॉर भी दे रखा है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो. कबर्ड को भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रख रखा है. ये वॉशरूम है पूरा, जैसे कि रूम हमारा ट्रिपल शेयरिंग है, तो इन्होंने बाथरूम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कि जैसे कोई वॉशरूम यूज़ कर सके, कोई ये वाला पार्ट यूज़ कर सके और कोई बाथरूम यूज़ कर सके. ऐसे तीनों लोग एक ही टाइम पे 3 चीज़ें यूज़ कर सके, उसके लिए इन्होंने पूरा इसको इस वे में बना रखा है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके. बेड के पास भी इन्होंने लाइट दे रखी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. इन्होंने व्हाइट लाइट दी थी, बट मैंने थोड़ा सा उसे कुछ करके थोड़ा पिंकिश रेडिश टाइप का बना दिया है. इसमें वाईफाई, एसी दोनों लगवा रखे हैं इन्होंने.
भी टेबल दे रखी है जिसमें कुछ भी रख सकते हैं, मैंने तो भगवान जी बिठा रखे हैं और ऐसे किसी भी चीज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। मैं बालकनी भी दे रखी है, तो वैसे ही हमारी भी बालकनी है, जो हमारे नीचे वाले फ्लोर है ना वहां तक पर्सनल बालकनी है, बाकी हमारे में पूरी एक ही बालकनी है ये। एंड बाहर निकलते ही हमारा वो कॉलेज का व्यू दिखता है, और ये सामने अभी स्विमिंग पूल या कुछ बन रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन साइट का व्यू है फिलहाल तो, बट कुछ टाइम में अच्छा व्यू हो जाएगा। बाकी आज वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। पूरी बालकनी है, कॉमन बालकनी जो अभी हमारी है, बाकी इससे नीचे वाली जो है वो सारी सबकी पोस्टल पोस्टल बालकनीज है। सो ये था मेरे हॉस्टल का रूम, एंड आगे भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और मैं ऐसी और वीडियोज़ डालती रहूँ, जैसे कि मेरी कॉलेज की वीडियोज़, आउटफिट की वीडियो, सब कुछ मैं डालती रहूँ, तो आई ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ इस चीज़ में। सो यार डेट्स ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड ऐसी और वीडियोज के लिए डू सब्सक्राइब मी। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।